हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी, जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने। एंड द फिल्म अनफोल्ड्स अ रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोट रिफकिन, जिम येनविक। स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकफेयरसन ने, एडिट किया स्टीवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट। प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चाइनीज एंटरप्राइज, एमिट, फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट 3rd of March 2006। रनिंग टाइम 102 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसले इज एन एल्कोहलिक बर्न्ड आउट नेप्ड डिटेक्टिव। Despite a late shift the night before, his lieutenant orders him to escort a witness, Eddie Bunker, from local custody to the court house 16 blocks away to testify on a police corruption case before a grand jury at 10 a.m. Bunker tries to be friendly and mostly telling him of his aspiration to move to Salem to become a cake baker with his sisters who he has never met, but mostly is uninterested and stop at liquor store. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी, जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने। एंड द फिल्म अनफोल्ड्स अ रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोट रिफकिन, जिम येनविक। स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकफेयरसन ने, एडिट किया स्टीवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट। प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चाइनीज एंटरप्राइज, एमिट, फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट 3rd of March 2006। रनिंग टाइम 102 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसले इज एन एल्कोहलिक बर्न्ड आउट नेप्ड डिटेक्टिव। Despite a late shift the night before, his lieutenant orders him to escort a witness, Eddie Bunker, from local custody to the court house 16 blocks away to testify on a police corruption case before a grand jury at 10 a.m. Bunker tries to be friendly and mostly telling him of his aspiration to move to Salem to become a cake baker with his sisters who he has never met, but mostly is uninterested and stop at liquor store.
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में आई अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने। एंड द फिल्म अनफोल्ड्स द रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोल्ड रिफकिन, जिम यनविक। स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकफेयरसन ने, एडिट किया स्टीवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट। प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चाइनीज एंटरप्राइज, एमिट, फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट 3rd of March 2006। रनिंग टाइम 102 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसले इज एन एल्कोहलिक बर्नड आउट निप्ड डिटेक्टिव। Despite a late shift the night before, his lieutenant orders him to escort a witness, Eddie Bunker, from local custody to the court house 16 blocks away to testify on a police corruption case before a grand jury at 10 a.m. Bunker tries to be friendly and mostly telling him of his aspiration to move to Salem to become a cake baker with his sisters who he has never met. But mostly is uninterested and stop at liquor store. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में आई अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने। एंड द फिल्म अनफोल्ड्स द रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोल्ड रिफकिन, जिम यनविक। स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकफेयरसन ने, एडिट किया स्टीवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट। प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चाइनीज एंटरप्राइज, एमिट, फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट 3rd of March 2006। रनिंग टाइम 102 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसले इज एन एल्कोहलिक बर्नड आउट निप्ड डिटेक्टिव। Despite a late shift the night before, his lieutenant orders him to escort a witness, Eddie Bunker, from local custody to the court house 16 blocks away to testify on a police corruption case before a grand jury at 10 a.m. Bunker tries to be friendly and mostly telling him of his aspiration to move to Salem to become a cake baker with his sisters who he has never met, but mostly is uninterested and stop at liquor store. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में आई अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने। एंड द फिल्म अनफोल्ड्स द रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोल्ड रिफकिन, जिम यनविक। स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकफेयरसन ने, एडिट किया स्टीवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट। प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चाइनीज एंटरप्राइज, एमिट, फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रोस पिक्चर्स।
इसकी रिलीज डेट है 3 मार्च 2006। रनिंग टाइम 102 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मोसले इज एन एल्कोहलिक बर्नड आउट निप्ट डिटेक्टिव। डिस्पाइट अ लेट शिफ्ट द नाइट बिफोर, हिज लेफ्टिनेंट ऑर्डर्स हिम टू एस्कॉर्ट अ विटनेस एडी बंकर फ्रॉम लोकल कस्टडी टू द कार्थ हाउस 16 ब्लॉक्स अवे टू टेस्टिफाई ऑन अ पुलिस करप्शन केस बिफोर अ ग्रैंड जूरी एट 10 AM। बंकर ट्राइज टू बी फ्रेंडली एंड मोस्टली टेलिंग हिम ऑफ हिज एस्पायरेशन टू मूव टू सेले टू बिकम अ केक बेकर विद हिज सिस्टर्स हु ही हैज नेवर मीट, बट मोस्टली इज uninterested and stop at liquor store. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने एंड द फिल्म अनफोल्ड्स अ रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोट रिफकिन, जिम यन विक। स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकपियर्सन ने, एडिट किया स्टेवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट। प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चेनीज एंटरप्राइज, एमिट फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट है 3 मार्च 2006। रनिंग टाइम 102 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मोसले इज एन एल्कोहलिक बर्नड आउट निप्ट डिटेक्टिव। Despite a late shift the night before, his lieutenant orders him to escort a witness, Eddie Bunker, from local custody to the Carth House, 16 blocks away to testify on a police corruption case before a grand jury at 10 AM. Bunker tries to be friendly and mostly telling him of his aspiration to move to Salem to become a cake baker with his sisters who he has never met, but mostly is uninterested and stop at liquor store. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने एंड द फिल्म अनफोल्ड्स अ रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोट रिफकिन, जिम यन विक। स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकपियर्सन ने, एडिट किया स्टेवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट। प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चेनीज एंटरप्राइज, एमिट फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट है 3 मार्च 2006। रनिंग टाइम 102 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मोसले इज एन एल्कोहलिक बर्नड आउट निप्ट डिटेक्टिव। Despite a late shift the night before, his lieutenant orders him to escort a witness, Eddie Bunker, from local custody to the Carth House, 16 blocks away to testify on a police corruption case before a grand jury at 10 AM. Bunker tries to be friendly and mostly telling him of his aspiration to move to Salem to become a cake baker with his sisters who he has never met, but mostly is uninterested and stop at liquor store.
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, एंड द फिल्म अनफोल्ड्स अ रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोट रिफकिन, जिम यन विक, स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकपियर्सन ने, एडिट किया स्टीवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट, प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चाइनीज एंटरप्राइज, एमिट, फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर्स ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट 3rd of March 2006। रनिंग टाइम 102 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसले इज एन एल्कोहलिक बर्न आउट निप्ड डिटेक्टिव। Despite a late shift the night before, his lieutenant orders him to escort a witness, Eddie Bunker, from local custody to the court house 16 blocks away to testify on a police corruption case before a grand jury at 10 a.m. Bunker tries to be friendly and mostly telling him of his aspiration to move to Salem to become a cake baker with his sisters who he has never met, but mostly is uninterested and stop at liquor store. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, एंड द फिल्म अनफोल्ड्स अ रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोट रिफकिन, जिम यन विक, स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकपियर्सन ने, एडिट किया स्टीवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट, प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चाइनीज एंटरप्राइज, एमिट, फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर्स ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट 3rd of March 2006। रनिंग टाइम 102 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसले इज एन एल्कोहलिक बर्न आउट निप्ड डिटेक्टिव। Despite a late shift the night before, his lieutenant orders him to escort a witness, Eddie Bunker, from local custody to the court house 16 blocks away to testify on a police corruption case before a grand jury at 10 a.m. Bunker tries to be friendly and mostly telling him of his aspiration to move to Salem to become a cake baker with his sisters who he has never met, but mostly is uninterested and stop at liquor store. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, एंड द फिल्म अनफोल्ड्स अ रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोट रिफकिन, जिम यन विक, स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकपियर्सन ने, एडिट किया स्टीवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट, प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चाइनीज एंटरप्राइज, एमिट, फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर्स ब्रोस पिक्चर्स।
इसकी रिलीज डेट 3 मार्च 2006, रनिंग टाइम 102 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश, $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसली इज एन एल्कोहलिक बर्नड आउट निप्ड डिटेक्टिव। डिस्पाइट अ लेट शिफ्ट द नाइट बिफोर, हिज लेफ्टिनेंट ऑर्डर्स हिम टू एस्कॉर्ट अ विटनेस एडी बंकर फ्रॉम लोकल कस्टडी टू द कार्थ हाउस 16 ब्लॉक्स अवे टू टेस्टिफाई ऑन अ पुलिस करप्शन केस बिफोर अ ग्रैंड जूरी एट 10 AM। बंकर ट्राइज टू बी फ्रेंडली एंड मॉसली टेलिंग हिम ऑफ हिज एस्पिरेशन टू मूव टू सेल इट टू बिकम अ केक बेकर विद हिज सिस्टर्स हु ही हैज़ नेवर मीट, बट मॉसली इज अनइंटरेस्टेड एंड स्टॉप एट लिक्वर स्टोर। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने एंड द फिल्म अनफोल्ड्स द रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोल्ड रिफकिन, जिम यान वेक, स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकपियर्सन ने, एडिट किया स्टीवन मार्कोविच ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट, प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चाइनीज एंटरप्राइज, एमिट फ्योरला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट 3 मार्च 2006, रनिंग टाइम 102 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश, $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसली इज एन एल्कोहलिक बर्नड आउट निप्ड डिटेक्टिव। डिस्पाइट अ लेट शिफ्ट द नाइट बिफोर, हिज लेफ्टिनेंट ऑर्डर्स हिम टू एस्कॉर्ट अ विटनेस एडी बंकर फ्रॉम लोकल कस्टडी टू द कार्थ हाउस 16 ब्लॉक्स अवे टू टेस्टिफाई ऑन अ पुलिस करप्शन केस बिफोर अ ग्रैंड जूरी एट 10 AM। बंकर ट्राइज टू बी फ्रेंडली एंड मॉसली टेलिंग हिम ऑफ हिज एस्पिरेशन टू मूव टू सेल इट टू बिकम अ केक बेकर विद हिज सिस्टर्स हु ही हैज़ नेवर मीट, बट मॉसली इज अनइंटरेस्टेड एंड स्टॉप एट लिक्वर स्टोर। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने एंड द फिल्म अनफोल्ड्स द रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोल्ड रिफकिन, जिम यान वेक, स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकपियर्सन ने, एडिट किया स्टीवन मार्कोविच ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट, प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चाइनीज एंटरप्राइज, एमिट फ्योरला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट 3 मार्च 2006, रनिंग टाइम 102 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश, $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसली इज एन एल्कोहलिक बर्नड आउट निप्ड डिटेक्टिव। Despite a late shift the night before, his lieutenant orders him to escort a witness, Eddie Bunker, from local custody to the Carth House, 16 blocks away to testify on a police corruption case before a grand jury at 10 a.m. Bunker tries to be friendly and mostly telling him of his aspiration to move to Salem to become a cake baker with his sisters who he has never met, but mostly is अनइंटरेस्टेड एंड स्टॉप एट लिक्वर स्टोर।
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, एंड द फिल्म अनफोल्ड्स द रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोट रिफकिन, जिम यन विक, स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकफर्सन ने, एडिट किया स्टेवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट, प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चाइनीज एंटरप्राइज, एमिट फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट 3rd of March 2006। रनिंग टाइम 102 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मोसले इज एन एल्कोहलिक बर्नड आउट नेप्ड डिटेक्टिव। Despite a late shift the night before, his lieutenant orders him to escort a witness, Eddie Bunker, from local custody to the Carth House, 16 blocks away to testify on a police corruption case before a grand jury at 10 a.m. Bunker tries to be friendly and mostly telling him of his aspiration to move to Salem to become a cake baker with his sisters who he has never met. But mostly is uninterested and stop at liquor store. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, एंड द फिल्म अनफोल्ड्स द रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोट रिफकिन, जिम यन विक, स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकफर्सन ने, एडिट किया स्टेवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट, प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चाइनीज एंटरप्राइज, एमिट फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट 3rd of March 2006। रनिंग टाइम 102 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मोसले इज एन एल्कोहलिक बर्नड आउट नेप्ड डिटेक्टिव। Despite a late shift the night before, his lieutenant orders him to escort a witness, Eddie Bunker, from local custody to the Carth House, 16 blocks away to testify on a police corruption case before a grand jury at 10 a.m. Bunker tries to be friendly and mostly telling him of his aspiration to move to Salem to become a cake baker with his sisters who he has never met, but mostly is uninterested and stop at liquor store. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, एंड द फिल्म अनफोल्ड्स द रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोट रिफकिन, जिम यन विक, स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकफर्सन ने, एडिट किया स्टेवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट, प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चाइनीज एंटरप्राइज, एमिट फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रोस पिक्चर्स।
इसकी रिलीज डेट थी 3 मार्च 2006। रनिंग टाइम 102 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसले इज एन एल्कोहलिक बर्न्ड आउट निप्ड डिटेक्टिव। डिस्पाइट अ लेट शिफ्ट द नाइट बिफोर हिज लेफ्टिनेंट ऑर्डर्स हिम टू एस्कॉर्ट अ विटनेस एडी बंकर फ्रॉम लोकल कस्टडी टू द कार्थ हाउस 16 ब्लॉक्स अवे टू टेस्टिफाई ऑन अ पुलिस करप्शन केस बिफोर अ ग्रैंड जूरी एट 10 AM। बंकर ट्राइज टू बी फ्रेंडली एंड मॉसले टेलिंग हिम ऑफ हिज एस्पिरेशन टू मूव टू सेले टू बिकम अ केक बेकर विद हिज सिस्टर्स हु ही हैज़ नेवर मीट। बट मॉसले इज अनइंटरेस्टेड एंड स्टॉप एट लिक्वर स्टोर। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने एंड द फिल्म अनफोल्ड्स द रियल टाइम नरेशन मैथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोल्ड रिफकिन, जिम येनविक। स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकफेयरसन ने, एडिट किया स्टीवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट। प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चाइनीज एंटरप्राइज, एमिट, फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर्स ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट थी 3 मार्च 2006। रनिंग टाइम 102 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसले इज एन एल्कोहलिक बर्न्ड आउट निप्ड डिटेक्टिव। Despite a late shift the night before, his lieutenant orders him to escort a witness, Eddie Bunker, from local custody to the Carth House, 16 blocks away to testify on a police corruption case before a grand jury at 10 a.m. Bunker tries to be friendly and mostly telling him of his aspiration to move to Salem to become a cake baker with his sisters who he has never met. But mostly is uninterested and stop at liquor store. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने एंड द फिल्म अनफोल्ड्स द रियल टाइम नरेशन मैथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोल्ड रिफकिन, जिम येनविक। स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकफेयरसन ने, एडिट किया स्टीवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट। प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चाइनीज एंटरप्राइज, एमिट, फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर्स ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट थी 3 मार्च 2006। रनिंग टाइम 102 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसले इज एन एल्कोहलिक बर्न्ड आउट निप्ड डिटेक्टिव। Despite a late shift the night before, his lieutenant orders him to escort a witness, Eddie Bunker, from local custody to the Carth House, 16 blocks away to testify on a police corruption case before a grand jury at 10 a.m. Bunker tries to be friendly and mostly telling him of his aspiration to move to Salem to become a cake baker with his sisters who he has never met, but mostly is uninterested and stop at liquor store.
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, एंड द फिल्म अनफोल्ड्स अ रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोल्ड रिफकिन, जिम यन विक, स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकफर्सन ने, एडिट किया स्टीवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट, प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चाइनीज एंटरप्राइज, एमिट फ्योरला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट 3rd of March 2006। रनिंग टाइम 102 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसले इज एन एल्कोहलिक बर्न आउट निप्ट डिटेक्टिव। Despite a late shift the night before, his lieutenant orders him to escort a witness, Eddie Bunker, from local custody to the Carth House, 16 blocks away to testify on a police corruption case before a grand jury at 10 a.m. Bunker tries to be friendly and mostly telling him of his aspiration to move to Salem to become a cake baker with his sisters who he has never met, but mostly is uninterested and stop at liquor store. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, एंड द फिल्म अनफोल्ड्स अ रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोल्ड रिफकिन, जिम यन विक, स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकफर्सन ने, एडिट किया स्टीवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट, प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चाइनीज एंटरप्राइज, एमिट फ्योरला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट 3rd of March 2006। रनिंग टाइम 102 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसले इज एन एल्कोहलिक बर्न आउट निप्ट डिटेक्टिव। Despite a late shift the night before, his lieutenant orders him to escort a witness, Eddie Bunker, from local custody to the Carth House, 16 blocks away to testify on a police corruption case before a grand jury at 10 a.m. Bunker tries to be friendly and mostly telling him of his aspiration to move to Salem to become a cake baker with his sisters who he has never met, but mostly is uninterested and stop at liquor store. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, एंड द फिल्म अनफोल्ड्स अ रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोल्ड रिफकिन, जिम यन विक, स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकफर्सन ने, एडिट किया स्टीवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट, प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चाइनीज एंटरप्राइज, एमिट फ्योरला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रोस पिक्चर्स।
इसकी रिलीज डेट थी 3 मार्च 2006। रनिंग टाइम 102 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसली इज एन एल्कोहलिक बर्न्ड आउट नेप्ड डिटेक्टिव। डिस्पाइट अ लेट शिफ्ट द नाइट बिफोर, हिज लेफ्टिनेंट ऑर्डर्स हिम टू एस्कॉर्ट अ विटनेस एडी बंकर फ्रॉम लोकल कस्टडी टू द कार्थ हाउस 16 ब्लॉक्स अवे टू टेस्टिफाई ऑन अ पुलिस करप्शन केस बिफोर अ ग्रैंड जूरी एट 10 AM। बंकर ट्राइज टू बी फ्रेंडली एंड मॉसली टेलिंग हिम ऑफ हिज एस्पिरेशन टू मूव टू सेले टू बिकम अ केक बेकर विद हिज सिस्टर्स हु he has never met, but mostly is uninterested and stop at liquor store. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने एंड द फिल्म अनफोल्ड्स अ रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोट रिफकिन, जिम यनविक। स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकपियर्सन ने, एडिट किया स्टीवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट। प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चाइनीज एंटरप्राइज, एमिट, फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर्स ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट थी 3 मार्च 2006। रनिंग टाइम 102 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसली इज एन एल्कोहलिक बर्न्ड आउट नेप्ड डिटेक्टिव। Despite a late shift the night before, his lieutenant orders him to escort a witness, Eddie Bunker, from local custody to the Carth House, 16 blocks away to testify on a police corruption case before a grand jury at 10 AM. Bunker tries to be friendly and mostly telling him of his aspiration to move to Salem to become a cake baker with his sisters who he has never met, but mostly is uninterested and stop at liquor store. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने एंड द फिल्म अनफोल्ड्स अ रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोट रिफकिन, जिम यनविक। स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकपियर्सन ने, एडिट किया स्टीवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट। प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चाइनीज एंटरप्राइज, एमिट, फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर्स ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट थी 3 मार्च 2006। रनिंग टाइम 102 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसली इज एन एल्कोहलिक बर्न्ड आउट नेप्ड डिटेक्टिव। Despite a late shift the night before, his lieutenant orders him to escort a witness, Eddie Bunker, from local custody to the Carth House, 16 blocks away to testify on a police corruption case before a grand jury at 10 AM. Bunker tries to be friendly and mostly telling him of his aspiration to move to Salem to become a cake baker with his sisters who he has never met, but mostly is uninterested and stop at liquor store.
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, एंड द फिल्म अनफोल्ड्स अ रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोट रिफकिन, जिम यनविक, स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकफेयरसन ने, एडिट किया स्टीवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट, प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चेनीज एंटरप्राइज, एमिट, फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर्स ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट 3rd of March 2006। रनिंग टाइम 102 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसले इज एन एल्कोहलिक बर्न आउट निप्ड डिटेक्टिव। Despite a late shift the night before, his lieutenant orders him to escort a witness, Eddie Bunker, from local custody to the court house 16 blocks away to testify on a police corruption case before a grand jury at 10 a.m. Bunker tries to be friendly and mostly telling him of his aspiration to move to Salem to become a cake baker with his sisters who he has never met, but mostly is uninterested and stop at liquor store. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, एंड द फिल्म अनफोल्ड्स अ रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोट रिफकिन, जिम यनविक, स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकफेयरसन ने, एडिट किया स्टीवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट, प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चेनीज एंटरप्राइज, एमिट, फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर्स ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट 3rd of March 2006। रनिंग टाइम 102 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसले इज एन एल्कोहलिक बर्न आउट निप्ड डिटेक्टिव। Despite a late shift the night before, his lieutenant orders him to escort a witness, Eddie Bunker, from local custody to the court house 16 blocks away to testify on a police corruption case before a grand jury at 10 a.m. Bunker tries to be friendly and mostly telling him of his aspiration to move to Salem to become a cake baker with his sisters who he has never met, but mostly is uninterested and stop at liquor store. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, एंड द फिल्म अनफोल्ड्स अ रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोट रिफकिन, जिम यनविक, स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकफेयरसन ने, एडिट किया स्टीवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट, प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चेनीज एंटरप्राइज, एमिट, फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर्स ब्रोस पिक्चर्स।
इसकी रिलीज डेट है 3rd of March 2006, रनिंग टाइम 102 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश, $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसले इज एन एल्कोहलिक बर्न आउट निप्ट डिटेक्टिव। डिस्पाइट अ लेट शिफ्ट द नाइट बिफोर, हिज लेफ्टिनेंट ऑर्डर्स हिम टू एस्कॉर्ट अ विटनेस एडी बंकर फ्रॉम लोकल कस्टडी टू द कार्थ हाउस 16 ब्लॉक्स अवे टू टेस्टिफाई ऑन अ पुलिस करप्शन केस बिफोर अ ग्रैंड जूरी एट 10 AM। बंकर ट्राइज टू बी फ्रेंडली एंड मॉसले टेलिंग हिम ऑफ हिज एस्पिरेशन टू मूव टू सेल इट टू बिकम अ केक बेकर विद हिज सिस्टर्स हु ही हैज नेवर मीट, बट मॉसले इज अनइंटरेस्टेड एंड स्टॉप एट लिक्वर स्टोर। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में आई अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने एंड द फिल्म अनफोल्ड्स अ रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोट रिफकिन, जिम यन वेक, स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकपियर्सन ने, एडिट किया स्टेवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट, प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चाइनीज एंटरप्राइज, एमिट फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट है 3rd of March 2006, रनिंग टाइम 102 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश, $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसले इज एन एल्कोहलिक बर्न आउट निप्ट डिटेक्टिव। Despite a late shift the night before, his lieutenant orders him to escort a witness, Eddie Bunker, from local custody to the Carth House, 16 blocks away to testify on a police corruption case before a grand jury at 10 a.m. Bunker tries to be friendly and mostly telling him of his aspiration to move to Salem to become a cake baker with his sisters who he has never met, but mostly is uninterested and stop at liquor store. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में आई अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने एंड द फिल्म अनफोल्ड्स अ रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोट रिफकिन, जिम यन वेक, स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकपियर्सन ने, एडिट किया स्टेवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट, प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चाइनीज एंटरप्राइज, एमिट फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट है 3rd of March 2006, रनिंग टाइम 102 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश, $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसले इज एन एल्कोहलिक बर्न आउट निप्ट डिटेक्टिव। Despite a late shift the night before, his lieutenant orders him to escort a witness, Eddie Bunker, from local custody to the Carth House, 16 blocks away to testify on a police corruption case before a grand jury at 10 a.m. Bunker tries to be friendly and mostly telling him of his aspiration to move to Salem to become a cake baker with his sisters who he has never met, but mostly is uninterested and stop at liquor store.
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, एंड द फिल्म अनफोल्ड्स अ रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोट रिफकिन, जिम यन विक, स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकफर्सन ने, एडिट किया स्टीवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट, प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चेनीज एंटरप्राइज, एमिट फ्योरला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट 3 मार्च 2006। रनिंग टाइम 102 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसले इज एन एल्कोहलिक बर्नड आउट निप्ड डिटेक्टिव। Despite a late shift the night before, his lieutenant orders him to escort a witness, Eddie Bunker, from local custody to the court house 16 blocks away to testify on a police corruption case before a grand jury at 10 a.m. Bunker tries to be friendly and mostly telling him of his aspiration to move to Salem to become a cake baker with his sisters who he has never met, but mostly is uninterested and stop at liquor store. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, एंड द फिल्म अनफोल्ड्स अ रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोट रिफकिन, जिम यन विक, स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकफर्सन ने, एडिट किया स्टीवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट, प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चेनीज एंटरप्राइज, एमिट फ्योरला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट 3 मार्च 2006। रनिंग टाइम 102 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसले इज एन एल्कोहलिक बर्नड आउट निप्ड डिटेक्टिव। Despite a late shift the night before, his lieutenant orders him to escort a witness, Eddie Bunker, from local custody to the court house 16 blocks away to testify on a police corruption case before a grand jury at 10 a.m. Bunker tries to be friendly and mostly telling him of his aspiration to move to Salem to become a cake baker with his sisters who he has never met, but mostly is uninterested and stop at liquor store. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, एंड द फिल्म अनफोल्ड्स अ रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोट रिफकिन, जिम यन विक, स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकफर्सन ने, एडिट किया स्टीवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट, प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चेनीज एंटरप्राइज, एमिट फ्योरला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रोस पिक्चर्स।
इसकी रिलीज डेट 3 मार्च 2006, रनिंग टाइम 102 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश, $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसले इज एन एल्कोहलिक बर्न आउट निप्ट डिटेक्टिव। डिस्पाइट अ लेट शिफ्ट द नाइट बिफोर, हिज लेफ्टिनेंट ऑर्डर्स हिम टू एस्कॉर्ट अ विटनेस एडी बंकर फ्रॉम लोकल कस्टडी टू द कार्थ हाउस 16 ब्लॉक्स अवे टू टेस्टिफाई ऑन अ पुलिस करप्शन केस बिफोर अ ग्रैंड जूरी एट 10 AM। बंकर ट्राइज टू बी फ्रेंडली एंड मॉसले टेलिंग हिम ऑफ हिज एस्पिरेशन टू मूव टू सेले टू बिकम अ केक बेकर विद हिज सिस्टर्स हु ही हैज़ नेवर मीट, बट मॉसले इज अनइंटरेस्टेड एंड स्टॉप एट लिक्वर स्टोर। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने एंड द फिल्म अनफोल्ड्स अ रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोट रिफकिन, जिम यन विक, स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकफेयरसन ने, एडिट किया स्टीवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट, प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चेनीज एंटरप्राइज, एमिट फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर्स ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट 3 मार्च 2006, रनिंग टाइम 102 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश, $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसले इज एन एल्कोहलिक बर्न आउट निप्ट डिटेक्टिव। Despite a late shift the night before, his lieutenant orders him to escort a witness, Eddie Bunker, from local custody to the Carth House, 16 blocks away to testify on a police corruption case before a grand jury at 10 a.m. Bunker tries to be friendly and mostly telling him of his aspiration to move to Salem to become a cake baker with his sisters who he has never met, but mostly is uninterested and stop at liquor store. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने एंड द फिल्म अनफोल्ड्स अ रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोट रिफकिन, जिम यन विक, स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकफेयरसन ने, एडिट किया स्टीवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट, प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चेनीज एंटरप्राइज, एमिट फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर्स ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट 3 मार्च 2006, रनिंग टाइम 102 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश, $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसले इज एन एल्कोहलिक बर्न आउट निप्ट डिटेक्टिव। Despite a late shift the night before, his lieutenant orders him to escort a witness, Eddie Bunker, from local custody to the Carth House, 16 blocks away to testify on a police corruption case before a grand jury at 10 a.m. Bunker tries to be friendly and mostly telling him of his aspiration to move to Salem to become a cake baker with his sisters who he has never met, but mostly is uninterested and stop at liquor store. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने एंड द फिल्म अनफोल्ड्स अ रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वाज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोट रिफकिन, जिम यनविक, स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकफर्सन ने, एडिट किया स्टेवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट, प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चाइनीज एंटरप्राइज, एमिट, फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट 3rd of March 2006। रनिंग टाइम 102 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसले इज एन एल्कोहलिक बर्नड आउट निप्ड डिटेक्टिव। डिस्पाइट अ लेट शिफ्ट द नाइट बिफोर हिज लेफ्टिनेंट ऑर्डर्स हिम टू एस्कॉर्ट अ विटनेस एडी बंकर फ्रॉम लोकल कस्टडी टू द कार्थ हाउस 16 ब्लॉक्स अवे टू टेस्टिफाई ऑन अ पुलिस करप्शन केस बिफोर अ ग्रैंड जूरी एट 10 AM। बंकर ट्राइज टू बी फ्रेंडली एंड मोस्टली टेलिंग हिम ऑफ हिज एस्पायरेशन टू मूव टू सेलेट टू बिकम अ केक बेकर विद हिज सिस्टर्स हु ही हैज नेवर मीट, बट मोस्टली इज uninterested and stop at liquor store. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने एंड द फिल्म अनफोल्ड्स अ रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वाज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोट रिफकिन, जिम यनविक, स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकफर्सन ने, एडिट किया स्टेवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट, प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चाइनीज एंटरप्राइज, एमिट, फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट 3rd of March 2006। रनिंग टाइम 102 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसले इज एन एल्कोहलिक बर्नड आउट निप्ड डिटेक्टिव। Despite a late shift the night before, his lieutenant orders him to escort a witness, Eddie Bunker, from local custody to the Carth House, 16 blocks away to testify on a police corruption case before a grand jury at 10 a.m. Bunker tries to be friendly and mostly telling him of his aspiration to move to Salem to become a cake baker with his sisters who he has never met, but mostly is uninterested and stop at liquor store. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने एंड द फिल्म अनफोल्ड्स अ रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वाज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोट रिफकिन, जिम यनविक, स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकफर्सन ने, एडिट किया स्टेवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट, प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चाइनीज एंटरप्राइज, एमिट, फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट 3rd of March 2006। रनिंग टाइम 102 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी।
फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसले इज एन एल्कोहलिक बर्न्ड आउट निप्ड डिटेक्टिव. डिस्पाइट अ लेट शिफ्ट द नाइट बिफोर, हिज लेफ्टिनेंट ऑर्डर्स हिम टू एस्कॉर्ट अ विटनेस एट ए बंकर फ्रॉम लोकल कस्टडी टू द कार्थ हाउस 16 ब्लॉक्स अवे टू टेस्टिफाई ऑन अ पुलिस करप्शन केस बिफोर अ ग्रैंड जूरी एट 10 AM. बंकर ट्राइज टू बी फ्रेंडली एंड मोस्टली टेलिंग हिम ऑफ हिज एस्पिरेशन टू मूव टू सेले टू बिकम अ केक बेकर विद हिज सिस्टर्स हु ही हैज़ नेवर मीट, बट मोस्टली इज अनइंटरेस्टेड एंड स्टॉप एट लिक्वर स्टोर. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें. फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स. ये 2006 में अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने. एंड द फिल्म अनफोल्ड्स अ रियल टाइम नरेशन मेथड. इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021. फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोल्ड रिफकिन, जिम यनविक. स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट. सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकपियर्सन ने, एडिट किया स्टीवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट. प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चाइनीज एंटरप्राइज, एमिट, फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रोस पिक्चर्स. इसकी रिलीज डेट 3rd March 2006. रनिंग टाइम 102 मिनट. कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश. $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी. फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसले इज एन एल्कोहलिक बर्न्ड आउट निप्ड डिटेक्टिव. Despite a late shift the night before, his lieutenant orders him to escort a witness at a bunker from local custody to the Carth House, 16 blocks away to testify on a police corruption case before a grand jury at 10 AM. Bunker tries to be friendly and mostly telling him of his aspiration to move to Salem to become a cake baker with his sisters who he has never met, but mostly is uninterested and stop at liquor store. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें. फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स. ये 2006 में अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने. एंड द फिल्म अनफोल्ड्स अ रियल टाइम नरेशन मेथड. इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021. फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोल्ड रिफकिन, जिम यनविक. स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट. सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकपियर्सन ने, एडिट किया स्टीवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट. प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चाइनीज एंटरप्राइज, एमिट, फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रोस पिक्चर्स. इसकी रिलीज डेट 3rd March 2006. रनिंग टाइम 102 मिनट. कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश. $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी. फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसले इज एन एल्कोहलिक बर्न्ड आउट निप्ड डिटेक्टिव. Despite a late shift the night before, his lieutenant orders him to escort a witness at a bunker from local custody to the Carth House, 16 blocks away to testify on a police corruption case before a grand jury at 10 AM. Bunker tries to be friendly and mostly telling him of his aspiration to move to Salem to become a cake baker with his sisters who he has never met, but mostly is uninterested and stop at liquor store. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें. फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स. ये 2006 में अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने. एंड द फिल्म अनफोल्ड्स अ रियल टाइम नरेशन मेथड. इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021. फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने,
रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नल, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोट रिफकिन, जिम येनविक, स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकपियर्सन ने, एडिट किया स्टीवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट, प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चाइनीज एंटरप्राइज, एमिट फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट 3rd of March 2006, रनिंग टाइम 102 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसले इज एन एल्कोहलिक बर्न आउट निप्ड डिटेक्टिव। डिस्पाइट अ लेट शिफ्ट द नाइट बिफोर, हिज लेफ्टिनेंट ऑर्डर्स हिम टू एस्कॉर्ट अ विटनेस एडी बंकर फ्रॉम लोकल कस्टडी टू द कार्थ हाउस 16 ब्लॉक्स अवे टू टेस्टिफाई ऑन अ पुलिस करप्शन केस बिफोर अ ग्रैंड जूरी एट 10 AM। बंकर ट्राइज टू बी फ्रेंडली एंड मोस्टली टेलिंग हिम ऑफ हिज एस्पायरेशन टू मूव टू सेल इट टू बिकम अ केक बेकर विद हिज सिस्टर्स हु ही हैज़ नेवर मीट, बट मोस्टली इज uninterested and stop at liquor store. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारे इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में आई अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, एंड द फिल्म अनफोल्ड्स द रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नल, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोट रिफकिन, जिम येनविक, स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकपियर्सन ने, एडिट किया स्टीवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट, प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चाइनीज एंटरप्राइज, एमिट फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट 3rd of March 2006, रनिंग टाइम 102 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसले इज एन एल्कोहलिक बर्न आउट निप्ड डिटेक्टिव। Despite a late shift the night before, his lieutenant orders him to escort a witness, Eddie Bunker, from local custody to the Carth House, 16 blocks away to testify on a police corruption case before a grand jury at 10 AM. Bunker tries to be friendly and mostly telling him of his aspiration to move to sell it to become a cake baker with his sisters who he has never met, but mostly is uninterested and stop at liquor store. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारे इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में आई अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, एंड द फिल्म अनफोल्ड्स द रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नल, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोट रिफकिन, जिम येनविक, स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकपियर्सन ने, एडिट किया स्टीवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट, प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चाइनीज एंटरप्राइज, एमिट फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट 3rd of March 2006, रनिंग टाइम 102 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसले इज एन एल्कोहलिक बर्न आउट निप्ड डिटेक्टिव। Despite a late shift the night before, his lieutenant orders him to escort a witness, Eddie Bunker, from local custody to the Carth House, 16 blocks away to testify on a police corruption case before a grand jury at 10 a.m.
Bunker tries to be friendly and mostly telling him of his aspiration to move to Salem to become a cake baker with his sisters who he has never met, but mostly is uninterested and stop at liquor store. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, एंड द फिल्म अनफोल्ड्स अ रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोट रिफकिन, जिम यन विक, स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकफेयरसन ने, एडिट किया स्टीवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट, प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चाइनीज एंटरप्राइज, एमिट फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट 3rd of March 2006। रनिंग टाइम 102 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसली इज एन एल्कोहलिक बर्नड आउट नेप्ड डिटेक्टिव। Despite a late shift the night before, his lieutenant orders him to escort a witness, Eddie Bunker, from local custody to the courthouse 16 blocks away to testify on a police corruption case before a grand jury at 10 a.m. Bunker tries to be friendly and mostly telling him of his aspiration to move to Salem to become a cake baker with his sisters who he has never met, but mostly is uninterested and stop at liquor store. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, एंड द फिल्म अनफोल्ड्स अ रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोट रिफकिन, जिम यन विक, स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकफेयरसन ने, एडिट किया स्टीवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट, प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चाइनीज एंटरप्राइज, एमिट फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट 3rd of March 2006। रनिंग टाइम 102 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसली इज एन एल्कोहलिक बर्नड आउट नेप्ड डिटेक्टिव। Despite a late shift the night before, his lieutenant orders him to escort a witness, Eddie Bunker, from local custody to the courthouse 16 blocks away to testify on a police corruption case before a grand jury at 10 a.m. Bunker tries to be friendly and mostly telling him of his aspiration to move to Salem to become a cake baker with his sisters who he has never met, but mostly is uninterested and stop at liquor store. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, एंड द फिल्म अनफोल्ड्स अ रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोट रिफकिन, जिम यन विक, स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकफेयरसन ने, एडिट किया स्टीवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट,
प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चेनीज एंटरप्राइज, एमिट फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट 3rd of March 2006, रनिंग टाइम 102 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसले इज एन एल्कोहलिक बर्न आउट निप्ड डिटेक्टिव। डिस्पाइट अ लेट शिफ्ट द नाइट बिफोर, हिज लेफ्टिनेंट ऑर्डर्स हिम टू एस्कॉर्ट अ विटनेस एडी बंकर फ्रॉम लोकल कस्टडी टू द कार्थ हाउस 16 ब्लॉक्स अवे टू टेस्टिफाई ऑन अ पुलिस करप्शन केस बिफोर अ ग्रैंड जूरी एट 10 AM। बंकर ट्राइज टू बी फ्रेंडली एंड मॉसले टेलिंग हिम ऑफ हिज एस्पिरेशन टू मूव टू सेले टू बिकम अ केक बेकर विद हिज सिस्टर्स हु ही हैज नेवर मीट, बट मॉसले इज uninterested and stop at liquor store. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने एंड द फिल्म अनफोल्ड्स अ रियल टाइम नरेशन मैथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोट रिफकिन, जिम यनविक। स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकपियर्सन ने, एडिट किया स्टीवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट। प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चेनीज एंटरप्राइज, एमिट फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट 3rd of March 2006, रनिंग टाइम 102 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसले इज एन एल्कोहलिक बर्न आउट निप्ड डिटेक्टिव। Despite a late shift the night before, his lieutenant orders him to escort a witness, Eddie Bunker, from local custody to the Carth House, 16 blocks away to testify on a police corruption case before a grand jury at 10 a.m. Bunker tries to be friendly and mostly telling him of his aspiration to move to Salem to become a cake baker with his sisters who he has never met, but mostly is uninterested and stop at liquor store. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने एंड द फिल्म अनफोल्ड्स अ रियल टाइम नरेशन मैथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोट रिफकिन, जिम यनविक। स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकपियर्सन ने, एडिट किया स्टीवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट। प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चेनीज एंटरप्राइज, एमिट फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट 3rd of March 2006, रनिंग टाइम 102 मिनट, कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसले इज एन एल्कोहलिक बर्न आउट निप्ड डिटेक्टिव। Despite a late shift the night before, his lieutenant orders him to escort a witness, Eddie Bunker, from local custody to the Carth House, 16 blocks away to testify on a police corruption case before a grand jury at 10 a.m. Bunker tries to be friendly and mostly telling him of his aspiration to move to Salem to become a cake baker with his sisters who he has never met, but mostly is uninterested and stop at liquor store.
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में आई अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी, जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने। एंड द फिल्म अनफोल्ड्स द रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोल्ड रिफकिन, जिम यनविक। स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकफेयरसन ने, एडिट किया स्टीवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट। प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चाइनीज एंटरप्राइज, एमिट, फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट 3rd of March 2006। रनिंग टाइम 102 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसले इज एन एल्कोहलिक बर्नड आउट निप्ड डिटेक्टिव। Despite a late shift the night before, his lieutenant orders him to escort a witness, Eddie Bunker, from local custody to the court house 16 blocks away to testify on a police corruption case before a grand jury at 10 a.m. Bunker tries to be friendly and mostly telling him of his aspiration to move to Salem to become a cake baker with his sisters who he has never met. But mostly is uninterested and stop at liquor store. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में आई अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी, जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने। एंड द फिल्म अनफोल्ड्स द रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोल्ड रिफकिन, जिम यनविक। स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकफेयरसन ने, एडिट किया स्टीवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट। प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चाइनीज एंटरप्राइज, एमिट, फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट 3rd of March 2006। रनिंग टाइम 102 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसले इज एन एल्कोहलिक बर्नड आउट निप्ड डिटेक्टिव। Despite a late shift the night before, his lieutenant orders him to escort a witness, Eddie Bunker, from local custody to the court house 16 blocks away to testify on a police corruption case before a grand jury at 10 a.m. Bunker tries to be friendly and mostly telling him of his aspiration to move to Salem to become a cake baker with his sisters who he has never met, but mostly is uninterested and stop at liquor store. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में आई अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी, जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने। एंड द फिल्म अनफोल्ड्स द रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोल्ड रिफकिन, जिम यनविक। स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकफेयरसन ने, एडिट किया स्टीवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट। प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चाइनीज एंटरप्राइज, एमिट, फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रोस पिक्चर्स।
इसकी रिलीज डेट थी 3 मार्च 2006। रनिंग टाइम 102 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसले इज एन एल्कोहलिक बर्नड आउट नेप्ड डिटेक्टिव। डिस्पाइट अ लेट शिफ्ट द नाइट बिफोर, हिज लेफ्टिनेंट ऑर्डर्स हिम टू एस्कॉर्ट अ विटनेस एडी बंकर फ्रॉम लोकल कस्टडी टू द कार्थ हाउस 16 ब्लॉक्स अवे टू टेस्टिफाई ऑन अ पुलिस करप्शन केस बिफोर अ ग्रैंड जूरी एट 10 AM। बंकर ट्राइज टू बी फ्रेंडली एंड मॉसले टेलिंग हिम ऑफ हिज एस्पिरेशन टू मूव टू सेले टू बिकम अ केक बेकर विद हिज सिस्टर्स हु he has never met, but mostly is uninterested and stop at liquor store. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने एंड द फिल्म अनफोल्ड्स अ रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोट रिफकिन, जिम यन विक। स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकपियर्सन ने, एडिट किया स्टीवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट। प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चेनीज एंटरप्राइज, एमिट फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट थी 3 मार्च 2006। रनिंग टाइम 102 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसले इज एन एल्कोहलिक बर्नड आउट नेप्ड डिटेक्टिव। Despite a late shift the night before, his lieutenant orders him to escort a witness, Eddie Bunker, from local custody to the Carth House, 16 blocks away to testify on a police corruption case before a grand jury at 10 a.m. Bunker tries to be friendly and mostly telling him of his aspiration to move to Salem to become a cake baker with his sisters who he has never met, but mostly is uninterested and stop at liquor store. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने एंड द फिल्म अनफोल्ड्स अ रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोट रिफकिन, जिम यन विक। स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकपियर्सन ने, एडिट किया स्टीवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट। प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चेनीज एंटरप्राइज, एमिट फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट थी 3 मार्च 2006। रनिंग टाइम 102 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसले इज एन एल्कोहलिक बर्नड आउट नेप्ड डिटेक्टिव। Despite a late shift the night before, his lieutenant orders him to escort a witness, Eddie Bunker, from local custody to the Carth House, 16 blocks away to testify on a police corruption case before a grand jury at 10 a.m. Bunker tries to be friendly and mostly telling him of his aspiration to move to Salem to become a cake baker with his sisters who he has never met, but mostly is uninterested and stop at liquor store.
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, एंड द फिल्म अनफोल्ड्स द रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोट रिफकिन, जिम यन विक, स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकफियर्सन ने, एडिट किया स्टीवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट, प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चाइनीज एंटरप्राइज, एमिट फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट 3rd of March 2006। रनिंग टाइम 102 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसले इज एन एल्कोहलिक बर्न आउट निप्ट डिटेक्टिव। Despite a late shift the night before, his lieutenant orders him to escort a witness, Eddie Bunker, from local custody to the court house 16 blocks away to testify on a police corruption case before a grand jury at 10 a.m. Bunker tries to be friendly and mostly telling him of his aspiration to move to Salem to become a cake baker with his sisters who he has never met, but mostly is uninterested and stop at liquor store. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने मूवी लेके आई हूँ 16 ब्लॉक्स। ये 2006 में अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, एंड द फिल्म अनफोल्ड्स द रियल टाइम नरेशन मेथड। इट वॉज डोनर्स लास्ट फिल्म एज डायरेक्टर बिफोर हिज डेथ इन 2021। फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिटन एंड डायरेक्ट किया रिचर्ड ने, रिटन किया रिचर्ड वैंक ने, डायरेक्ट किया रिचर्ड डोनर ने, प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, रैंडल एमिट, जॉन थॉम्सन, एर्नोट रिफकिन, जिम यन विक, स्टार्स हैं ब्रूस विल्स, मॉस डेव, डेविड मॉर्स एंड कोजार्ट। सिनेमेटोग्राफी दी है ग्लेन मैकफियर्सन ने, एडिट किया स्टीवन मार्कोविज ने, म्यूजिक दिया है क्लॉस बैटलेट, प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट, मिलेनियम फिल्म्स, चाइनीज एंटरप्राइज, एमिट फ्यूरोला फिल्म्स, द डोनर्स कंपनी, इक्विटी पिक्चर्स, न्यू इमेज फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। इसकी रिलीज डेट 3rd of March 2006। रनिंग टाइम 102 मिनट। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। $52 मिलियन का इसका बजट था एंड $65.7 मिलियन की इसने टोटल अर्निंग करी। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जैक मॉसले इज एन एल्कोहलिक बर्न आउट निप्ट डिटेक्टिव। Despite a late shift the night before, his lieutenant orders him to escort a witness, Eddie Bunker, from local custody to the court house 16 blocks away to testify on a police corruption case before a grand jury at 10 a.m. Bunker tries to be friendly and mostly telling him of his aspiration to move to Salem to become a cake baker with his sisters who he has never met, but mostly is uninterested and stop at liquor store.